हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार है नमस्कार। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज सुबह सुबह आ चुकी है धूप एकदम ख़तरनाक वाली। तो पिछले 2 दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग नहीं बनाए। तो आज मेरी मम्मी थोड़ा ठीक है, तो इसलिए आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। अभी टाइम है 8 बज रहे हैं, लेकिन धूप देखो बिल्कुल इतने, ऐसा लग रहा 9-10 बज गई। तो आज मेरी मम्मी जा रहे हैं मार्केट दिखाने के लिए, उनको आज फिर से जाना है, और मैं और अंजू हैं घर पे, हम जाएंगे घास को। तो अभी मम्मी हो रहे हैं रेडी, तो मैं आपको थोड़ा देर में मिलती हूँ, तब तक आप बने रहें। मम्मी जाएंगे मार्केट, आज उनके साथ भैया जा रहे हैं, परसों मैं गई थी। तो मम्मी जाएंगे भैया के साथ मार्केट और हम जाएंगे घास को, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, मैंने अपने दातुल में धार लगा दी, मतलब इसको दातुल पियाना बोलते हैं, और इससे ना मतलब हमारे, हम घास काटते हैं तो हमारे जो दातुल हैं, भाई मतलब दातुल ही बोलते हैं, वैसे दराती हिंदी वर्ड हो गया, तो उसकी धार तेज करने के लिए इसको ऐसे करा जाता है, तो इससे उसकी धार तेज हो। तो मम्मी आज अपना दोबारा चेकअप के लिए जा रही है मार्केट, हॉस्पिटल जाना है उनको, उनके साथ आज जा रहे हैं भैया। मम्मी बैठे हैं तैयार होके, अभी जाएंगे मार्केट और हम जाएंगे घास को। तो हम चलते हैं घास को, अभी आपको मिलती हूँ खेतों में। तो दोस्तों, मम्मी चले गए मार्केट को और अंजू भी घास को चले गए, मैं भी जा रही हूँ घास को। पहले मैंने पानी की बाल्टी भरनी है, फिर मैं जाती हूँ घास को। भर लिया पानी, फटाफट घास काट के आते हैं। आज तो धूप भी तेज आ चुकी है, फिर हमने आके बकरी वगैरह बाहर बांध दी भैंस, तो अभी हम चलते हैं घास को। आज हमने वैसे दूर नहीं जाना, यहीं पे जाना है घर के नीचे। तो हम अभी जाते हैं, आपको मिलेंगे घास काट के। यहाँ का एरिया मस्त है, छाया। ये देखो हमारे गद्दू का झाल। तो दोस्तों, यहाँ हमने काफ़ी कुछ लगाया था, तो हो रखा है, ये है कद्दू का झाल, बट अभी कद्दू आए नहीं। और ये है ये है करेले का, देखो कहाँ जा रहा, तरक्की कर रहा। और यहाँ पे है तोरिया। तो दोस्तों, इसमें, इस खेत में है सोयाबीन। तो दगड़े हमूली में घोगले लगा रहा थी, जो कि बिल्कुल नहीं हरे, बानर ही में रखना, मतलब थोड़ा थोड़ा होने आए नन्नन, लेकिन बानर ही में रखनी है। तो इमें ये मैं हमूल बो रहा कि कुनी सोयाबीन और रेस। तो मैं तुमको सोयाबीन देखो, ये देखो स्टार्ट हो गया, अब हम काटनू घा। तो दोस्तों, अब हम काटनू घा, अंजू स्टार्ट गई है मिल काटूं, तो तब तक तुम बनी रहो मेरे साथ, तुमको मिलूं घर जबीरा। तो हमने घास काट ली है, एक गड्ढे यहाँ पे है और एक बना रहे यहाँ पे अंजू। देखो हमने सब रेस वगैरह निकाल ले ली। तो दोस्तों, इसमें हुआ तो काफ़ी कुछ है, बस आप बंदर रख दे, सोयाबीन हो रहे अच्छे अच्छे मस्त वाले, जो अभी तक तो बंदर से सेफ है, आगे कोई भरोसा नहीं है। बंदर तो बंदर ही है, अभी सुअर भी आ रहा, आजकल नहीं आ रहा, तब ये हो रखे हैं, जब आएगा तो ये कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं घर को, तब तक आप बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं घर और अंजू अभी घास को लगा रहे हैं सुखाने के लिए।
देखो फिर अभी हमको बांधने हैं बाहर भैंस और बकरियाँ, तो हम बांधते हैं भैंस बकरियाँ, तो आप तब तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों मैं फेंक रही हूँ गोबर, ये देखो मैंने डल लिया, और अंजू बांध रहे हैं भैंसों को बाहर, फटाफट गोबर फेंकते हैं। कितना अच्छा बैलेंस है मेरा, एक हाथ से पकड़ा है और एक हाथ से फोन। आपको अपना हर काम दिखाना हुआ तो भी फटाफट इसको फेंकती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये फेंक दिया, और अभी हम यहाँ घास काटने आए थे तो मैंने पता नहीं अपना सर का कहाँ फेंक दिया, मेरे को वो ढूंढना है। मिल गया, तो फेंक के गई हूँ मैं, ये तो मिल गया। अभी हम जाते हैं घर। ये देखो कद्दू, बंदरों से सेफ है फिलहाल, तो अभी मैं चलती हूँ घर। बकरी वगैरह बांधते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। ये है, आज मौसम कितना मस्त है देखो, वाव धूप ही खतरनाक है भाई। तो दोस्तों हमने गाय बकरियाँ बांध दी है बाहर, और जो है हम अपनी गीता को लाते हैं नीचे, क्योंकि पूरी बाखली में सबके गाय बैल होते हैं, तो ये पट्टी कहीं इनके पैरों के नीचे ना चले जाए, इसलिए हम इनको लाए हैं नीचे। आपको इनका भी अपडेट दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों दूध पीने के लिए कैसा कर रहे थे, इनके तीन एक साथ गए हैं, अभी दो जने पियेंगे फिर एक पिएगा। ये देखो बड़े हो गए, अभी अच्छे हो गए हमारी गीता, इसको हम बांधेंगे यहाँ पे। अच्छा गीतू नहीं, देखो जान है अपनी गीता। तो दोस्तों अभी बनाती हूँ बकरियों के लिए नाश्ता, फिर उसके बाद हम भी करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद जहाँ भी जाएंगे आपको भी ले जाएंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों बकरियों को नाश्ता दे दिया है और अभी हम करेंगे नाश्ता। तो नाश्ते में आज मेरी फेवरेट सब्जी, आज है कद्दू की सब्जी। तो अभी हम करते हैं नाश्ता। अंजू क्या कर रहे हैं, ये देखो फोन पे लगी है, और रौनक के लिए स्पेशल सीट। तो दोस्तों देखो रौनक हमारी जगह पे और हम रौनक की, ये रौनक की सीट। तो दोस्तों अभी हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद हम जाना है हमको ग्वाला। तो दोस्तों हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी मैं जाऊंगी ग्वाला, तो आज मैं गीता को भी ले जाने वाली हूँ। हमारी गीता की एक खासियत है ना, जब ये मतलब अपने बच्चों को जन्म देती है तो दो चार दिन ही कुछ खाती भी नहीं है, इसको ज़बरदस्ती हम खिलाते हैं, और ग्वाला तो बिल्कुल नहीं जाती। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं कि इसको ले जाएं, अब जाती है कि नहीं वो पता नहीं, ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हम ट्राई करते हैं ले जाने का गीता को, ये झोला भी रेडी, पानी का बोतल वगैरह, हम ले जा रहे हैं गीता को ज़बरदस्ती। चल गीतू, इसका जाना लग रहा है मुश्किल, ट्राई करते हैं, वैसे लग रहा जाएगी क्योंकि हो गए ना दो चार दिन इसको। पिएगी पानी, आज का मौसम तो देखो धूप है। तो दोस्तों हम चलते हैं ग्वाला की ओर, एक हम ले जाएंगे गीता को और एक मिंटी को। कालू तो पहले ही भाग गया है टाइजी लोगों की बकरियों के साथ, तो अभी हम इसको ले जाते हैं। चल गीतू, हाँ यहाँ पे छाव है, यहीं पे रहने का मन कर रहा, ग्वाला तो जाना है तो चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ग्वाला, आज हमको गीता को ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ी गीता के साथ, क्योंकि आज गीता खुद ही तैयार हो चुकी है आने के लिए, वो भी सोच रही होगी इसके तीन तीन बच्चे हैं उनका कैसे होगा। तो गीता आ चुकी है और हम भी आ गए ग्वाला। यहाँ एरिया पे तो छाया ही छाया है, धूप तो आगे आने वाली है। तो हम आ चुके हैं ग्वाला, तब तक अभी आपको बाद में दिखाऊंगी इसकी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ग्वाला, और अभी क्या कहते हैं हमने पिरुक भी इकट्ठा कर लिया, मैंने तो अपना वो नीचे से लाई मैं,
पे रख दिया है और अभी चाची लोगों को नीचे इकट्ठा कर रहे, तो मैं ये भी चलती हूँ नीचे। इतने नीचे से इतना ऊपर आए मैं, अभी मैं चलती हूँ नीचे देखो जंगल। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ ग्वाला से घर और अभी मम्मी मार्केट से आए नहीं, तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ। अंजू भी शायद मम्मी को लेने गए हैं तो अभी वो आए नहीं, जब वो आएंगे तब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक के लिए आप भी आराम करो। तो दोस्तों मम्मी भी आ चुके हैं मार्केट से और हमने खाना वगैरह खा लिया, तो मम्मी अभी ले रहे हैं भाप, उन्होंने डॉक्टर ने उनको बोला है, तो मम्मी अभी भाप ले रहे हैं और हमको जाना है घास को। तो दोस्तों अब हम जाएंगे घास को, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी हो चुका है तो इसलिए कहीं बारिश ना रहे, तो हम फटाफट से काट के लाएंगे घास। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ, कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।